कर्नाटक में सत्ता का घमासान अभी चल ही रहा था कि देश के बड़े हिंदी भाषी राज्य एमपी में भी सत्ता को लेकर नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एमपी की सरकार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि अगर हाईकमान से ऑर्डर मिल जाए तो उन्हें एमपी में सरकार गिराने में देर नहीं लगेगी। पर लोग तो हमको ज्यादा चाहते हैं और ये सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। जिस दिन ऊपर से सिंगल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा कर देंगे, तुम चिंता मत करो। जब जिस दिन बोल दिया वो अपने केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं कि करो खेल तो कर देंगे, कोई बहुत मामूली बात है। वीडियो में देखिए कैलाश विजयवर्गीय कितने भरोसे से एमपी में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं। वीडियो में कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अगर दिल्ली हाईकमान एक इशारा कर दे तो वो एमपी की सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई देरी नहीं करेंगे। पर लोग तो हमको ज्यादा चाहते हैं और ये सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। जिस दिन ऊपर से सिंगल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा कर देंगे, तुम चिंता मत करो। जब जिस दिन बोल दिया वो अपने केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं कि करो खेल तो कर देंगे, कोई बहुत मामूली बात है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में एमपी की नई नवेली सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और जिस भरोसे से बीजेपी का ये नेता सरेआम बयान दे रहा है उससे संकेत साफ साफ दिख रहे हैं कि कर्नाटक की तरह एमपी में भी कांग्रेस की कुछ नेता बीजेपी के पक्ष में आने के लिए तैयार हैं। और अगर ऐसा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बीच मझधार में फंसी हुई है, जिसकी डोर कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।